नमस्कार मित्रों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई ए राजा नाम का व्यक्तित्व है जो कि डीएमके पार्टी का है, और ये बयान दे रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो HIV, समझ रहे हैं ना आप, मतलब ये बीमारियों से इसकी तुलना कर रहे हैं। और इनका इनकी मानसिक संतुलन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो हिला हुआ है। ये कौन सी मतलब कौन सी हवा में जी रहे हैं कि इनको सनातन धर्म जो है वो HIV लगने लगा है। अच्छा, ये खुद तो रोज कुंटलों टनों मीट अपने स्वयं मुंह से जो है वो खचर खचर करने लगे थे, और वो इनके लिए कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म जिनमें हमारे भगवान सभी सभी भगवान, मतलब ये सब भगवानों को भी दरकिनार कर रहे हैं, और सिर्फ थोड़े से राजनीतिक फायदे कह लो या नुकसान, इनको तो नुकसान ही पहुंचना है थे, लेकिन राजनीति में इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि इनको अब सनातन धर्म भी बीमारी लगने लगा। क्योंकि भाई अब ऐसी पार्टी के हैं नहीं जी कि वो पार्टी भी कुछ मत बोलो भाई। तो ऐसे इंसानों का जो है वो हमें ये समझना चाहिए कि ये पागल हैं, तो इनको ज़्यादा जवाब मत दो, क्योंकि पागलों को समझाएंगे तो समझ में तो आना नहीं है। तो ऐसे आदमियों का मानसिक संतुलन जो है वो हिल चुका है। तो मैं तो इनके परिजनों से या फैमिली वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको जो है वो पागल खाने में भेज दिया जाए, जहाँ इनका बढ़िया तरीक़ा से जो है वो इलाज हो, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा परामर्श मिले। आप चाहें तो मुझसे संपर्क करने इस विषय में, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है वो चिकित्सालय खोज कर दूंगा। कुछ मेरी नज़र में भी हैं, तो मैं इनके परिजनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको भेज दीजिए अब, क्योंकि ये आपको भी कल के दिन हो सकता है बोलने की ये मेरा भाई नहीं है, ये HIV है, ये डेंगू है, या अपने ही घर में किसी भी सदस्य को बोल दें कि ये तो TB है। तो भाई इससे अच्छा ये है कि अभी इलाज कर लिया जाए, समय रहते अगर इलाज हो जाए किसी भी गंभीर बीमारी का तो वो कंट्रोल में आ जाती है। अन्यथा फिर वो कंट्रोल में नहीं आती, तो करवा लो भाई, ठीक है।